हरिद्वार के बहादराबाद सिडकुल क्षेत्र में चलने वाले मिनी लोडिंग वाहन संचालकों ने एआरटीओ सहित ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। मिनी लोडिंग वाहन संचालकों का कहना है कि लोडिंग वाहन संचालकों को परिवहन विभाग के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी अनावश्यक गाड़ियों के चालान बना रहे हैं। इस मामले को लेकर दर्जनों वाहन संचालकों ने क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान से मुलाकात की। विधायक ने सभी लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि आगामी सोमवार को आरटीओ से मुलाकात कर समस्या का समाधान किया जाएगा। लोडिंग वाहन संचालक ने बताया कि जिले की सड़कों पर जुगाड़ गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। वाहन संचालकों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी पहले 100 रुपए की एंट्री करते थे, लेकिन अब 500 से 1000 रुपए की एंट्री करते हैं। वहीं एंट्री के बावजूद भी वाहनों की चालान काट दिए जाते हैं। हरिद्वार से संवाददाता नरेश तोमर की रिपोर्ट। हैदराबाद के और आसपास के क्षेत्र के सभी टेम्पो चालक छोटा इसको बोलते हैं वो थे, और उनको जो है आरटीओ और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के द्वारा इनको परेशान किया जा रहा था। ये गरीब लोग हैं बेचारे, छोटा व्यवसाय करने वाले लोग हैं। तो मैंने अभी आरटीओ से बात की है, आरटीओ को मैंने कहा वो सोमवार अभी बाहर है, सोमवार को आएगी, सोमवार को उनकी मीटिंग कराएंगे, जो भी इनकी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा और किसी का भी शोषण नहीं होना दिया जाएगा, चाहे वो पुलिस का कोई कर्मचारी कर रहा हो या कोई आरटीओ का।